ରେଡ଼ି। ଗତକାଲି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମିଲି ଜେନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା DAV ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ, ଯିଏକି 98.4% ମାର୍କ୍ସ ରଖି ଜୋନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଜୋନ୍ ଟୁରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା DAV ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିଲି ଜେନ୍, ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବୋଲୋ ଗେ 98.4% ଅଚିଭ୍ କରନା କିତନା କଠିନ ଥା? इतना कठिन नहीं था, अगर हम डेडिकेशन के साथ और हार्डवर्क के साथ, पूरा मेहनत के साथ, फुल फोकस के साथ अगर पढ़ेंगे तो इतना भी कठिन नहीं था। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, आपका होम टाउन कहाँ है? मेरा होम टाउन राउरकेला में है, लेकिन मैं 2 साल से यहीं झारसुगड़ा में हूँ। अच्छा, जो अभी जो 98.4% अचीव किए हो प्लस टू कॉमर्स में, तो कितना घंटा स्टडी करते थे उसके अलावा और क्या क्या करते थे? मैं अबाउट 8 to 10 hours स्टडी करती थी अ डे, एंड उसके बाद घर में भी काम होते थे, ट्यूशंस भी होते थे, हमारे स्कूल का 7 to 8 hours रहते हैं, और घर में भी मैं सब काम करती हूँ ऐसे, खाना वगैरह का। एक्चुअली मेरी नानी का एज हो गया है तो उनसे उतना काम नहीं होता, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ फुल। तो अभी जैसे कि 98.4% अचीव किए हो, तो तुम आपका मम्मी पापा को भी बताए होंगे 98.4% रखे हैं, तो वो लोग ज़्यादा खुशी हुए हैं कि आपका जो नानी का घर में जो नानी और मामा जो है वो ज़्यादा खुशी है? ऐसे तो खुश सबको ही है, मम्मी पापा लोग भी नानी मामा लोग को श्रेय दे रहे हैं कि आप लोग के वजह से ही आज मैं इतना अच्छा हूँ, आज मैं जो भी हूँ आज मैं मेरी नानी मामा लोग के वजह से हूँ, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर, उन लोग ने मुझे बहुत गाइड किया, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं लोग के वजह से हूँ। ट्यूशन आप करते हैं, ट्यूशन होते थे क्या प्लस टू जो अभी कॉमर्स में आप जो पढ़ते थे, तो ट्यूशन कौन सा सब्जेक्ट में होते थे? मैं ट्यूशन खाली अकाउंट्स का लेती थी। अभी एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपका ऑल ओडिशा DAV टॉपर हुए हो 98.4% अचीव करके, तो फ्यूचर में अभी क्या स्टडी करने के लिए प्लान है? फ्यूचर में मैंने अभी CA फाउंडेशन का शुरू कर दिया प्रिपरेशन, उसके आगे मेरा MBA का भी है प्लान, बट वो तो BCOM के बाद होगा, तो मैं पहले BCOM में ऑनर्स करूँगी अच्छे कॉलेज के साथ, और उसके बाद फिर मैं MBA का भी सोच रही हूँ। अच्छा, और एक चीज़ लास्ट वन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी स्कूल में जैसे बता रहे थे 7 to 8 hours जाता था, तो 7 to 8 hours में टीचर लोग आपको किस तरह से मतलब गाइड करते थे, स्कूल में कैसे गाइड करते थे, या बाय फोनिक हो कि कुछ डाउट्स रहने से वो लोग किस तरह से कोऑपरेट करते थे? पूरा 7 to 8 hours टीचर्स फुल गाइड करते थे हमें, पूरा मोटिवेट करते थे हमें, हमेशा बोलते थे कि बेटा पढ़ के कुछ अचीव करो, ताकि हम लोग भी खुश हो, तुम लोग के पीछे जितना मेहनत कर रहे हो उतना सफल हो। टीचर्स पूरा मोटिवेट करते थे हमें हमेशा से कोऑपरेट करते थे, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो कभी भी हम उन्हें कॉल करें, कभी रात दिन कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, हमारा पढ़ाई के बाद डाउट सेशंस होते थे, उसके बाद प्रिंसिपल से बाहर से टीचर्स को बुलाते थे ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हों सारे, और प्रिंसिपल सर भी बहुत मोटिवेट करते थे, प्रिंसिपल सर वीकली हमारे पास आते थे, हमसे मिलते जुलते थे, हमें हमारी प्रॉब्लम्स पूछते थे, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऐसे भी पूरे दिन में कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कुछ हो, अगर सर कुछ भी हेल्प कर सके मत पर्सनली भी, तो सर हमेशा तैयार रहते थे हेल्प करने के लिए। और एक चीज़ जो आप जो 98.4% आप अचीव किए हो, तो मैं मतलब इसमें आप कौन सा टीचर को ज़्यादा मतलब श्रेय देना चाहोगे? ऐसे तो सारी टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाकी हमारे देवदत्ता सर हैं इको में मेरे 100 आए हैं, उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा। अच्छा, और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जो अभी 98.4% आप अचीव किए हो, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको मालूम है अभी, तो क्या क्या कितना कितना मार्क्स रखे? मेरा इको में 100 है, BST में 99 है, PHE में 99 है, उसके बाद मेरा मैथ्स में 95 है, इंग्लिश में 96 है, और अकाउंट्स में 98 है। निश्चित भाव में देखुले आम सहित सीधासख आलोचना करुले मिली जेन जीए बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट थे, घरे भी से बहुत निजर घरे भी बहुत किसी घर कार्य कम गुड़ाक से सहायता करुले कम करुले छाड़ी से घरे बहुत समय से एजुकेशन तांकर जो स्टडी रहुची सेथिरे मध्ये बहुत समय दउथिले, जो थिरो फळो आज से पाइचंती, एवं 98.4
4% अचीव करी से जोन वन जोन टू ऑल ओडिशा डीएबी टॉपर होती आम सहित तो नानी अच्छा सहित आलोचना करवा कैसे लग रहा है आपको? नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी बेटी इस पद पर आई है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। वो मेरे को घर में बहुत हेल्प करती थी, हम बीमार रहते थे, इसके नाना जी अभी 3 महीने पहले डेथ हुई है। समय पर दवाई देना, पानी देना, उनका खाने पीने का पूरा ध्यान यही रखती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे को अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। निश्चित भाव रे तंग सब काम में किचन में पूरा हेल्प यही करती है। निश्चित भाव रे तांकर जिए रहउचंती नानी रहउचंती से भी जहा कहउतिले जे किचन रे तांकु बहुत हेल्प करउतिले एवं बहुत केयरिंग थिले एवं बहुत डेडिकेटेड थिले। तांको तांको सहित तांको मामू अछंती तांकर तांको सहित कथा लागबा कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपका भांजी जो है अभी 98% ऑल ओडिशा डीएबी टॉपर हुई है, छोटा बात नहीं है। तो किस तरह से इसका पढ़ाई कैसे चलता था और इसका फ्यूचर के लिए आप लोग क्या सोचे? फ्यूचर के लिए जो करना चाहेगी करेगी, अपने तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बाकी इसका हमारे तरफ से कभी कुछ नहीं है। निश्चित भाव में देखुले मामू भी जहाँ कहते जे फ्यूचर में से जहाँ पढ़ापाई चाहूँगी से ता पढ़ ताऊपर डिपेंड करुच्ची एवं आम आम आड़ कि ताऊपर रेस्ट्रिक्शन ना से फ्यूचर पर जहाँ चूज कर से पढ़ा से जहाँ कि समय पूर्व मिलीजेन आमको सूचना दूसरे जे से भल कलेज बिकम करने चाहते फ्यूचर में एम बी ए करने प्लान अच्छी। झारसुगुड़ा जितेन्द्र देवता दरगज डॉट इन।